और एक और बड़ी खबर, जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद पीएसईएल विदेशों में अपनी प्रॉपर्टी बेच रही है। सूत्रों के मुताबिक पर्ल ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के करीब 4355 करोड़ रुपए का निवेश ऑस्ट्रेलिया में किया है। कंपनी के पास ऑस्ट्रेलिया में आलिशान होटल भी है। होटल का नाम शेरेटन मिराज है जो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी इस होटल को बेचने की तैयारी कर रही है। पीएसईएल पर आरोप है कि कंपनी ने निवेशकों से जुटाई गई रकम को दूसरी चीजों जगहों में निवेश किया। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पूरे मामले में सीबीआई की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई ने अब तक ऑस्ट्रेलिया में पर्ल ग्रुप की प्रॉपर्टी को बेचने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इस मामले में जी बिजनेस ने पर्ल ग्रुप से ईमेल के जरिए प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। उधर म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। सेबी निवेशकों से वसूले जाने वाले टोटल एक्सपेंस रेशियो को घटाने की तैयारी कर रही है। जी मीडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेबी टोटल एक्सपेंस रेशियो को ऊपरी 3% की सीमा को अधिकतम 2.25% पर लाना चाहती है, यानी 2.25% पर। सूत्रों के मुताबिक इसका ऐलान इसी साल जून तक किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही नेट असेट वैल्यू यानी एनएवी जारी करते हैं। टोटल एक्सपेंस रेशियो कम होने पर निवेशकों की एनएवी की वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्सपेंस रेशियो फंड के कामकाज से जुड़े खर्चों की भरपाई के लिए लिया जाता है, जिसमें मैनेजमेंट फीस, मार्केटिंग फीस, ट्रांजैक्शन की लागत, निवेशकों को स्कीम की जानकारियां देने और भेजने की लागत के अलावा रजिस्ट्रेशन फीस जैसे खर्च शामिल होते हैं। फिलहाल म्यूचुअल फंड 2.5% एक्सपेंस रेशियो के तौर पर चार्ज करते हैं। इसके अलावा 0.3 basis point असेट मैनेजमेंट कंपनी को टॉप 15 शेयरों से आगे बेचने के लिए इंसेंटिव दिया जाता है। उधर एनपीए के बोझ से दबे बैंकों की हालत सुधारने के लिए सरकार जल्दी 7 से 8 बैंकों का रीकैपिटलाइजेशन कर सकती है। इन बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, देना बैंक शामिल है। सरकार ने बैंकों से कहा है कि वो रिकवरी पर ध्यान दे ताकि वित्तीय हालत को ठीक किया जा सके। जिन बैंकों की रिकवरी अच्छी नहीं होगी, सरकार उन पर और दबाव बनाएगी और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर ही मदद मिलेगी। सरकार ने मौजूदा बजट में बैंकों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अप्रैल को स्टैंडअप इंडिया अभियान लॉन्च करेंगे। स्टैंडअप इंडिया का लक्ष्य एससी एसटी और महिलाओं के बीच रोजगार बढ़ाने और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। पीएम मोदी स्टैंडअप इंडिया प्रोग्राम को नोएडा में लॉन्च करेंगे। कैबिनेट ने जनवरी में एससी एसटी और महिलाओं को सस्ते रेट पर लोन देने के लिए स्टैंडअप इंडिया स्कीम को मंजूरी दी थी। स्टैंडअप इंडिया स्कीम को देश के 1.25 लाख बैंक ब्रांचेस के तहत लागू किया जाएगा। बैंक एससी एसटी और महिलाओं को लीस्ट एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन मुहैया कराएंगे। बैंक 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच कम से कम एक एससी एसटी और महिला एंटरप्रेन्योर को लोन देंगे। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में आतंकी हमले के करीब एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 देशों के आधिकारिक दौरे पर ब्रसेल्स के लिए रवाना होंगे। अपने 3 देशों के दौरे में वो वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और इसके बाद सऊदी अरब का भी दौरा करेंगे। बाद में पीएम ब्रसेल्स में भारत ईयू समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा वो बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें आतंकवाद से निपटना अहम होगा। उधर युवराज सिंह वर्ल्ड T20 से बाहर हो गए हैं। पैर में चोट की वजह से युवराज को बाहर होना पड़ा है। वर्ल्ड T20 से टीम इंडिया के बल्लेबाज युवराज सिंह का सफर खत्म हो गया है। पैर में चोट की वजह से अब युवराज सिंह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली में करो या मरो के मुकाबले में एक शॉट खेलने के दौरान उनके पांव में चोट लगी और अब युवराज सिंह की ये चोट गंभीर हो गई है। युवराज की जगह टीम इंडिया में मनीष पांडे को बुलाया गया है। यूवी का बल्ला अब तक विश्व कप में कुछ खास नहीं चला है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज 56 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। पद्म विभूषण पाने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक स्वर्गीय धीरूभाई अंबानी भी शामिल हैं, जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति ने आज 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 43 को पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्म विभूषण पाने वालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरूभाई अंबानी शामिल हैं, जिन्हें मरणोपरांत यह सम्मान दिया गया। उनकी पत्नी कोकिलाबेन अंबानी ने सम्मान लिया। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता अनुपम खेर को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल को भी पद्म भूषण मिला। अभिनेता अजय देवगन को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गर्व महसूस कर रहा हूँ और छोटे से शहर का लड़का आज यहाँ पर इतने भव्य समारोह में
पद्म भूषण पा सकता है तो कुछ भी हो सकता है। समारोह के दौरान पीएम मोदी और बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी मौजूद थे। तो न्यूज़ टुनाइट में खबरें बस इतनी, लेकिन जी बिजनेस पर खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।